हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं वीटा 3 डीटी 4000। और ये जो पावर एम्पलीफायर है, ये है बीस्ट एम्प 3, जिसको विकी वैन ने नाम दिया था। ये क्लास डी का पावर एम्पलीफायर है और आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्लास डी का पावर एम्पलीफायर कैसा है और ये हमें किस तरह का परफॉर्मेंस दे देता है। ये है बीटा 3 डीटी सीरीज का डीटी 4000। ये एक प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है, ये क्लास डी में है। ये बीटा 3 की तरफ से एक न्यू लॉन्च पावर एम्पलीफायर है। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो ये अनबॉक्स हो चुका है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इसका यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस पावर एम्पलीफायर के बारे में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा 3 का डीटी सीरीज में एक 4 चैनल का सीरीज भी है, जो है 2004, 4004, 6004, 8004। सो इसके अंदर यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, आप अगर चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फुल्ली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये दिखने में काफी छोटा सा पावर एम्पलीफायर है, लेकिन ये पावर एम्पलीफायर काफी पावरफुल है। इस पावर एम्पलीफायर में आपको 8 ओम्स पे 1500 वाट का आउटपुट मिल जाएगी पर चैनल और 4 ओम्स पे आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाएगी पर चैनल। सो आप अगर चाहें तो इसमें 4 1200 वाट के सबवूफर चला सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो 8 ओम्स पे इसमें आप 1500 वाट से लेके 1800 वाट तक का सबवूफर भी चला सकते हैं। इस पावर एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है वो है 500 एट 8 ओम्स लोड अप टू 100 हर्ट्ज। ऑल ओवर इसका पावर आउटपुट और डंपिंग फैक्टर जो है वो अच्छा है। एक्चुअल में ये 500 डंपिंग फैक्टर देता है। इसमें कूलिंग के लिए डुअल कूलिंग फैन कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, आपके टेम्परेचर के हिसाब से इसका फैन का स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। सो इस पावर एम्पलीफायर में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पावर एंड प्रोटेक्ट का LED इंडिकेटर, सिग्नल इंडिकेटर और पिक इंडिकेटर, और यहाँ पे इसका गेन नॉब है चैनल 1 का और चैनल 2 का, और गेन नॉब की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसका वेंटिलेशन के लिए ग्रिल देखने को मिलता है, यहाँ से इसका एयर पास होगी। यहाँ पे बीटा 3 का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, बीटा 3 का ब्रांडिंग और डीटी 4000। और इस पावर एम्पलीफायर में हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया है। तो चलिए इसको हम बैक साइड से एक बार देख लेते हैं। बैक साइड में हमें देखने को मिलता है एक फैन आउटपुट सेक्शन और इनपुट सेक्शन, और उसके साथ एक सर्किट ब्रेकर और पावर केबल। यहाँ पे पीछे के साइड में एक फैन हमें देखने को मिलता है जो वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मॉडल नंबर DT4000, ऑपरेशन मोड, पावर आउटपुट एट 8 ओम्स एंड 4 ओम्स, और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन में हमें देखने को मिलता है सेंसिटिविटी, जहाँ पे आप 0.77 वोल्ट, 1 वोल्ट, 32 dB ये स्विचिंग कर सकते हैं। और उसके साथ हमें देखने को मिलता है एक लिमिट का स्विच, जहाँ पे आप मोड 1 या फिर मोड 2 में इसको रख सकते हैं। और इनपुट सेक्शन में हमें देखने को मिलता है XLR इनपुट्स, और यहाँ पे एक स्विच भी देखने को मिलता है जो है अलोन और लिंक। अलोन जो है वो है स्टीरियो मोड, और लिंक जो है वो है पैरेलल मोड। इसमें हमें ब्रिज मोनो मोड देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे लिंक AB जो डायरेक्ट आउटपुट है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन में हमें 2 स्पीक ऑन कनेक्टर आउटपुट देखने को मिलता है, जो चैनल A और चैनल B के लिए है।
तो ये था इस पावर एम्पलीफायर का बैक साइड। सो चलिए इस पावर एम्पलीफायर को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और वो ये पावर एम्पलीफायर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसका हम एक टेस्टिंग ले लेते हैं। दोस्तों ये पावर एम्पलीफायर जो है ये काफ़ी पावरफुल है। दिखने में ये काफ़ी छोटा लगता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पावर है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। ये जो पावर एम्पलीफायर है सच में वेस्टैम 3 है। मैं तो इसको वेस्टैम 1, 2, 3 हर कोई कैटेगरी में देखना चाहूँगा और मैं आगे चाहूँगा कि बीटा 3 की तरफ से हमें रिव्यू करने का अपॉर्चुनिटी मिले DT8004 का, जो 4 चैनल क्लास डी का पावर एम्पलीफायर है जो 2500 वाट पर चैनल में देता है। तो ये पावर एम्पलीफायर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। आप अगर चाहें तो इसमें 2000 वाट के 2 चला सकते हैं या फिर 1500 वाट तक का स्पीकर को आप इसमें 4 चला सकते हैं। तो ऑल ओवर इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली फेसबुक पे और TNTAudio.in पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।